हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको कराएंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 4A। इसके अंदर आपको हम कराएंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इससे पहले, जैसा कि आपने हमारी पहली क्लास अटेंड की होगी, पहले वीडियो देखा होगा आपने, हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी के लगभग 6 वीडियो डाले हैं, जिसमें हमारा पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड का था, दूसरा हमारा था प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड, इसके बाद हमारा था प्रोबेबिलिटी थर्ड ए फॉर 11th क्लास, इसी तरह से था हमारा प्रोबेबिलिटी थर्ड बी 11th क्लास, प्रोबेबिलिटी थर्ड सी 11th क्लास एंड प्रोबेबिलिटी थर्ड डी फॉर 11th क्लास था। यानी कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे अब तक। और आज जो हम कराएंगे आपको वो है हमारा क्लास 12th एक्सरसाइज 13.1। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर आपने अभी तक सीख लिया होगा तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी 12th क्लास में। जैसे आज 12th की पहली क्लास है, कह रहा है सबसे पहला हमारा पॉइंट इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी तक जो हमने इवेंट में निकाला था, वो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन, दो इवेंटों का एक कंडीशन दिया होगा, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। जैसे एग्जांपल से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे हमें कह रहा है कि ई एंड एफ टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कह रहा है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट हैं ई और एफ, राइट। कह रहा है तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, इवेंट दैट एफ हैज हैपेंड, कि अगर कोई एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर एफ इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी हो चुका है तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, यानी ई ऑब्लिक एफ। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉट इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो होता तो ये क्या होता, नॉट डिफाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप पहले से पढ़ चुके हो इंटरसेक्शन का मतलब है, द ई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि द कॉमन पॉइंट बिटवीन ई एंड एफ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इससे और क्लियर होगा आपको। ये कह रहा है कि टॉसिंग ऑफ ए थ्री पॉइंट्स, अगर हम तीन पॉइंट को टॉस करते हैं तो आप जानते हैं पहले से इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, 2 to the power 3, यानी 8 सैंपल स्पेस बनेगा। हमने लिख दिया है यहाँ इसके सैंपल स्पेस एच एच टी, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल, ये इसके सैंपल स्पेस है, टोटल 8 बने। अब ये कह रहा है कि इफ ई बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, ई कोई इवेंट है जिसमें कम से कम 2 हेड अपीयर होना चाहिए। कम से कम 2 हेड अपीयर का मतलब है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकता है या 2। एंड एफ बी द इवेंट फर्स्ट पॉइंट स्विच, और एफ एक ऐसा इवेंट है जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो 10 होना चाहिए, सेकेंड के लिए कुछ नहीं होता है, तो सेकेंड 10 हो जाए या सेकेंड हेड हो जाए कोई दिक्कत। तो आपने लिख लिया पहले कि इवेंट ई, ई के जो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, एच एच एच, मतलब तीनों हेड इसका है, एच एच टी, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड। आपने क्या देखा, एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वाले इसमें आ जाएंगे। अब आप देखिए एफ क्या बोला है, एफ बी इवेंट फर्स्ट पॉइंट सोर्स, फर्स्ट पॉइंट सोर्स दैट 10। एफ क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट अगर टेल आ रहा है, इसका मतलब है कि टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल आ सकता है। अब आपसे अगर पूछा जाए ई इंटरसेक्शन है, ई और एफ इवेंट के अंदर कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे हमने राउंड कर रखा है ये टी एच एच और टी एच, ये 2 कॉमन है, इसका मतलब कि इसमें एक ही इवेंट होगा टी एच एच। अब हमने फॉर्मूला सीखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ,
यानी आपसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू है व्हेन फर्स्ट कॉइन इज टेल, यानी अगर पहले कॉइन पर टेल आता है और एटलीस्ट टू हेड होना चाहिए तो ऐसा कंडीशन कौन होगा? ऐसा तो हमें निकालने के लिए क्या सीखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी पहले से आप जान चुके हैं, जो अभी तक सीखा आपने, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल क्या है, ई इंटर कॉमन, कॉमन कितना हमारे पास है वन, और टोटल हमारे पास कितने है एट, तो वन अपॉन एट आ गया। फिर आप निकालेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कितना है आपके पास फोर, फोर है और टोटल क्या एट, फोर अपॉन एट, तो वन अपॉन एट बाई फोर अपॉन एट क्या हो जाएगा, वन बाई एट इंटू एट बाई फोर, एट एट कैंसिल, वन बाई फोर इज राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सही जवाब। अब आप देखिए पॉइंट नंबर टू है, पॉइंट नंबर टू में हमने दिया है प्रोपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की कुछ प्रोपर्टीज हैं जो कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है इलेवेंथ क्लास में, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देता है ट्रू फॉल्स, इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, कि आपको फॉर्मूला लिख देगा। जैसे हमने लिखा है पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। एस क्या है सैंपल स्पेस, और एफ क्या है एफ द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है ई और एफ दो इवेंट है और एस कोई सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो एस अपॉन एफ यानी एस व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या होगा बराबर वन होगा ऑलवेज। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर, देन एफ बाय एफ अगर पूछा जाए तो भी हमारा जवाब क्या होगा वन ही होगा। आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एस व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर। तो आपने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ बाय एफ पी ऑफ एफ हो जाएगा, और एस और एफ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एस तो सैंपल स्पेस है और एफ कोई इवेंट है जो एस से लिया गया, तो कॉमन क्या होगा एफ ही होगा। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो कैंसिल होके क्या मिलेगा वन मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ इज ऑलरेडी एफ बाय एफ है, अगर आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप जानते हैं कि एफ और एफ में कॉमन क्या होगा एफ खुद होगा, तो पी ऑफ एफ आ जाएगा, नीचे पी ऑफ एफ आ गया, आपका जवाब क्या आ गया वन। तो क्या देखा आपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज अकर्ड इक्वल टू वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू वन, तो तीनों दोनों क्या है एक के इक्वल हो गया, यही आपको शो करना है। अब आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमने दिया है ये कह रहा तुम्हें ये भी प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट पी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा ए और बी दो कोई इवेंट है राइट, किसका एक सैंपल स्पेस एस का, और एफ क्या है एक ऐसा इवेंट है जहां पी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ ई इवेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर हमें ये फाइंड करना है हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड प्लस में आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये फॉर्मूला लग गया हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी बताया था हमने, P of A plus P of B minus में P of A intersection B होता है। तो यहाँ पर आपने देखा A B और A union B के साथ है, A का F लिया, B के साथ F लिया, फिर ये A intersection B के साथ F आ गया। अगर मान लो A and B are disjoint set, आपने सीखा था कि अगर A और B disjoint set, अगर A और B disjoint set है, तो आप क्या जानते हैं two set are called disjoint set, two set को disjoint set कहा जाएगा, two set को disjoint set कहा जाएगा। कब कहा जाएगा कि अगर ये set के जो है common कुछ भी नहीं आते तो दोनों set क्या कहलाएगा disjoint set कहलाएगा। तो if A and B are disjoint set, उस केस में क्या होगा probability of A union B
यानी f has already occurred, ये हो जाएगा only आपका probability of a by f, यानी conditional probability of a when f has occurred plus conditional probability of b when f has already occurred. फिर ये कह रहा आपसे कि अगर probability of a union b, probability of a union b by f, यानी conditional probability of a union b when f has already occurred. तो अब सेम फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में आ जाएगा एफ और नीचे क्या आएगा पी ऑफ एफ. अब आप जानते हैं कि अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या आएगा हमारा पी ऑफ एफ. अब आप इसमें क्या जानते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ और माइनस में आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ बाय एफ. इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं यानी पी ऑफ एफ से सबको आप डिवाइड कर दो, अलग कर दो, तो ये क्या मिलेगा, प्रो ए इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बाय पी ऑफ एफ माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बाय पी ऑफ एफ. अब आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा है इसको क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड, ये हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड और ये हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड. यही आपको शो करना था और ये बिल्कुल करेक्ट आ गया, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको जानना है, थर्ड में पॉइंट में आपको जानना था कि अगर आपसे ये पूछा जाता है थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट के अंदर ध्यान दो, थर्ड पॉइंट के अंदर आपने देखा इसमें कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ, ई डैश का मतलब पहले सीख चुके हो कि क्या है, ई डैश एफ का मतलब है नॉट प्रोबेबिलिटी. तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ यानी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई डैश व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या होगा, वन माइनस में प्रोबेबिलिटी, वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ. तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर हमें इसे प्रूफ करके दिखाना तो क्या दिखाएंगे, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ वन होता भी आपने सीखा था और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई डैश ऑब्लिक एफ, दैट मीन्स प्रो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश, ई यूनियन ई डैश एफ क्या इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा वन, क्योंकि आप जानते हैं ई यूनियन ई डैश इक्वल टू हमारा क्या होता है वन के बराबर होता है. अगर आप इसको लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ हैज अकर्ड इक्वल टू क्या होगा वन, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सेंस ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट, अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो आप ये लिख सकते हैं. अब आपने देखा कि हम से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैश व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या आ जाएगा वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो पता चला कि ये आपके जो है बेसिक पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन अब बनेगा इसी पॉइंट पर सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल आपको आसान लगेगा. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारा 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13. कह रहा फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ए ऑफ बी, दैट मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो गिवन है आपका 4/13, प्रोबेबिलिटी गिवन आपका 9/13, ये आ जाएगा 4/13 इंटू में 13/9,
13 से 13 कैंसिल करो, 4/9 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। अगर दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे, ये एग्जांपल कह रहा है आपका कि ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन, ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज इवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। क्या कह रहा है, एक फैमिली के पास दो बच्चे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो, कह रहा है कि दैट बोथ चिल्ड्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बच्चे क्या हो, बॉयज हो, जबकि एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों लड़का। तो इसका मतलब आप देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब मान लीजिए कि बी स्टैंड फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल्स, अगर आपसे बोले सैंपल स्पेस बताओ, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, बॉय बॉय यानी दोनों लड़के हो सकते हैं, वन गर्ल दूसरा बॉय, एक लड़की है दूसरा लड़का है, इसी तरह से वन बॉय सेकेंड गर्ल या दोनों गर्ल्स है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस आपके बने कितने बन गए, चार बन गए। अब आप देखेंगे कि कोई इवेंट है, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, क्या इवेंट है कि दोनों को, दोनों बच्चे क्या है, बॉयज है, दोनों बच्चे अगर बॉयज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीबी लिखेंगे। इसी तरह से एफ क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ चाइल्ड इज ए बॉय, कम से कम एक लड़का जो है वो क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो कम से कम एक का मतलब कि एक तो हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। तो मान लो कि दोनों ही बॉय है तो पहला आपका बन गया बीबी, इसी तरह से एक गर्ल हो गई, एक बॉय हो गया, एक बॉय और दूसरा गर्ल, तो बीबी जीबी और बीजी, ये बन गया आपका एफ का। और आप ये निकालें ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, तो आप कॉमन क्या देख रहे हैं, बी और बी यानी दोनों बॉयज वाले कॉमन है, ये बॉय दोनों में बीबी भी है और यहाँ भी दोनों में बीबी है, ये कॉमन आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अब आपसे पूछा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई then F is already occur, yani probability that the family have two children when at least one is born, so probability of E intersection F by probability of F होगा, तो आप लिखेंगे 1/4 upon 3/4, तो 1/4 into में आ जाएगा 4/3, ये cancel हो जाएगा और आपका जवाब आ गया 1/3, यही answer बिल्कुल correct। अब देखो third example दिया है हमने कार्ड से रिलेटेड, क्या कार्ड से कई क्वेश्चन आपने बनाए इससे पहले, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। कह रहा 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स विद ट्रॉली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इफ इट नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 10 कार्ड्स रखे हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है 1 to 3 से 10 तक लिखा हुआ है। अब कह रहा है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन, अगर आपको पता है कि जो नंबर जिस कार्ड पे वो 3 से बड़े हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी 10 कार्ड्स में 1 to 10 लिखा हुआ है और एक कार्ड आप उससे निकालते हो और आपको पता है ये जो कार्ड होगा वो 3 से बड़ा ही होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर जो आप निकालोगे वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो आपको तीन चीज चाहिए, सबसे पहले आपको ये एक क्या है, नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन इज इवन, नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन इवन, तो 1 से 10 तक में इवन नंबर क्या है, आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, इवन नंबर का मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6 and 10 आपका क्या है, इवन नंबर है। बी में आपने देखा नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, तेरा कार्ड पे जो नंबर है वो 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर का मतलब क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एस क्या है, सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज इवन व्हेन इट इज नोन दैट This card have a number greater than 3, yani conditional probability of A when B has already occurred. So probability of A intersection B upon में B आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10, A intersection B में आपके पास देखो नंबर कितने राउंड कर रखा है,
कितने नंबर कॉमन है, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, चार नंबर कॉमन है, टोटल 10 है, 4/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में देखो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसमें टोटल आपके पास जो नंबर है 7 है और टोटल क्या है हमारा 10, तो ये क्या आ जाएगा 7/10। सॉल्व करना है, 4/10 हो गया, डिवाइड था तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, मल्टीप्लाई में 10/7, 10 से 10 कैंसिल, 4/7 आपका राइट आंसर आ गया। अब हमने एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन लिखे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है अगर आप ये हमारे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे इसी के बेस पर क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया। अब बिल्कुल अच्छी तरह से इसको आप वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जब ये समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को अटैक करो, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बनाना जरूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पर और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं आजकल, लेकिन सिर्फ अगर आप वीडियो पे लगे रहोगे सारे दिन, इतने सारे वीडियोस आते रहते, 2 घंटे 4 घंटे वीडियो में लगा दो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक किसी भी वीडियो को देखकर, खासकर मैथ में प्रैक्टिस इन मास्ट, आपको मैथ्स बनाना होगा, कलम कॉपी से सॉल्व करना होगा। तो जो हमने पॉइंट्स बताए हैं इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करो, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप 11th क्लास के हो, 11th की एक्सरसाइज 13.1 के आप सारे क्वेश्चन को इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी NDA में भी सर की एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जहां भी आपके पास जो भी बुक्स है उसमें आप देखो कि इससे रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और जितने हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी सी बनाएंगे इसका, अभी तक जो कंसेप्ट किया इस कंसेप्ट पे कौन क्वेश्चन, इसको खोजो, उसको तलाश करो, फाइंड करो किस किस क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछी गई है, बस उसी क्वेश्चन को अटैक करना जितना भी बताया, बस आपको यही काम करना, जो वीडियो देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक में, जो आपके पास बुक्स है उसमें क्वेश्चन बैंक में तलाश करो कि ये बेस कंसेप्ट पर कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी कंसेप्ट बता रहे हैं इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें क्वेश्चन फाइंड करो, फिर उस क्वेश्चन को अटैक करो, 100% क्वेश्चन बनेगा। इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आप चाहोगे इसी वे में सारे दिन बैठ के वीडियो आप देखते रहो यूट्यूब चैनल पे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे हमने दो क्वेश्चन इसमें से लिया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो भी देख लेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आगे जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, NDA, SSR, वो भी एग्जाम दोगे, बेसिक कंसेप्ट यानी 12th का NCERT आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी आगे फर्दर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे जो आपका बनेगा JEE वगैरह के अंदर जो मेन एडवांस के क्वेश्चन आएंगे सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, तो एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन होगा, इसलिए सारे कंसेप्ट को पहले क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जो ये चार सीरीज जो चल रही है 12th वाली, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मिक्सअप क्वेश्चन बनाए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि सारे मिक्सअप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अदर साल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलो पहले अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड केस। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है, और इसी तरह का क्वेश्चन कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास के SSC हरियाणा पे दिल्ली पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, NDA वगैरह के अंदर तो कम पूछा जाएगा, लेकिन एयरफोर्स नेवी सीआर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप देखो ये आपको कुछ नहीं करना, आपने अपना फॉर्मूला रिमाइंड किया, आपका फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, जो हमने सिखाया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे ही नजर आता है कि प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी हैज अकर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला अटैक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं, लेकिन बी आपका 0 है, अगर ऊपर वाला नहीं भी मालूम है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही पता चला कि डिनोमिनेटर 0 है, दैट मींस आंसर इज नॉट डिफाइंड, आंसर क्या है नॉट डिफाइंड, देखो सी में दे रखा है नॉट डिफाइंड, आपका जवाब आ गया नॉट डिफाइंड, आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखो हमने 17 क्वेश्चन लिया है NCERT 13.1 का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेस्ट पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तरीका क्या है देखो क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, 10 कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड बराबर है
probability of B when A has occurred, यानी conditional probability of A when B has occurred equal to conditional probability of B when A has occurred. तो क्या होगा, आपको चार choice दिया गया है, A subset B but A does not equal to. इसी तरह से A equal to B, C में A intersection B equal to 5, यानी कोई भी ये disjoint set है, या probability A equal to probability. कुछ भी देता है आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर आना है, आंसर के ऑप्शन पे नहीं देना है. कई बच्चे ऑप्शन में ध्यान देते क्या है नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कंसेप्ट को क्लियर देते. क्या है कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी बी बाई ए. ए बाई बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी. बी बाई ए को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब आप देखो कि दो नंबर इक्वल है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है. अगर दो नंबर इक्वल हो, दोनों का न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाला अगर सेम है, उसका नीचे वाला क्या होगा, सेम ही होगा. दैट मीन डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो आपका जवाब क्या होगा, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी. दैट इज राइट आंसर इज डी. तो ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. इन शॉर्ट यही है कि आप अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से पूरे को अंडरस्टैंड करो, अगर आपको समझ में आता है इस क्वेश्चन को, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके बुक्स में या आपके जो भी फंक्शन की किताब है, बुक्स से उसके अंदर आप देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे है, उन क्वेश्चन को आप बना के देखो. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो इस कंसेप्ट पर होगा और आपसे ना बने. तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल आपको मास्टर बना देंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और बिल्कुल आगे जो हमारी सीरीज चल रही है ये फोर्थ ट्वेल्थ क्लास के, ट्वेल्थ क्लास के अंदर कम से कम पांच पार्ट बनेंगे, 4A, 4B, 4C, 4D और 4, ये पार्ट्स बनेंगे. अगर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह देखते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे. और NDA, JBSSR के कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे हट के नहीं. प्लस अगर आप JEE एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी आपका NCERT का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. ये कंसेप्ट अगर क्लियर होता है इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से 10 साल के क्वेश्चन बनाओ, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओ. ठीक है, थैंक यू. तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है हमारी वो आपको अपने आप मिलती रहे.